नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, NTPC की कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की कर रहे हो जिसमें सामान्य विज्ञान सिलेबस में होता है, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्कशन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिससे और PDF फाइल आपको मिल जाएंगी या स्टडी से रिलेटेड और भी जानकारी आपको वहाँ पर हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, ये सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर कलाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन घंटे के निशान को आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान का वीडियो। तो शुरू है, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव हुआ है? तो जल में तैरना है दोस्तों, ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है, उस तीसरे नियम के कारण, गति के नियम के कारण संभव हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है वह अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, उसका जो SI मात्रक होगा वह दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होगा। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई है ये पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ये दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व में क्या फर्क पड़ता है? तो दूध से अपन क्रीम निकालेंगे तो क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व है वह बढ़ जाएगा, तो यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है दोस्तों? तो ये फर्मी है, यह लंबाई की न्यूनतम इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध यानी केमिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये किसे किया गया था? ये थी दोस्तों मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस को प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक आयुध यानी केमिकल वेपन के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किसे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की जो प्रति सेकंड घूर्णन की गति होती है उसको मापने के लिए दोस्तों स्ट्रेबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेबोस्कोप इसका राइट आंसर हो गया। अगला है, पानी में घुले हुए कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में घुले हुए अमोनिया गैस है ये उसको क्षारीय बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग है ये अग्निरोधक कपड़े का निर्माण में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए दोस्तों पोटेशियम एलम का प्रयोग किया जाता है। तो किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये पोटेशियम एलम लवण का प्रयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम जो है वह लेड सल्फाइड है। तो लेड सल्फाइड गैलेना का रासायनिक नाम हो गया। अगला देखते हैं, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में ले जाती है? तो मोबाइल फोन की जो बैटरी हैं उनमें दोस्तों लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो लिथियम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में जो प्रयोग किया जाता है यह जीनोन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जीनोन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, तारों से आती रोशनी से तारों की रिक्त स्थान का पता चलता है? तो तारों से जो आती हुई रोशनी है उसको दोस्तों तारों की टेम्परेचर तापमान का पता चलता है। तो टेम्परेचर इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं,
टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो टेबल जो साल्ट होता है उसका दोस्तों रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसे टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, कारण क्या है? तो बर्फ पर चलने का जो मुश्किल होने का कारण है यह दोस्तों घर्षण की अनुपस्थिति है, यह बर्फ पर चलना मुश्किल होने का महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो किडनी होती है हमारे शरीर में, उस किडनी का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना उसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे जो मीठी शर्करा है उसका नाम है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज है वह सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा है यह केवल गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर है यह दोस्तों किसके मापन की युक्ति है? तो बोलोमीटर दोस्तों जो उसमें विकिरण है उनके मापन की एक युक्ति है। तो इसमें आप नोट कर लेना, ये इसका सी आंसर हो जाएगा, उष्मीय विकिरण। उष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति कौन है? बोलोमीटर उष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति है। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस जो मशीन है उसका आविष्कार करने वाले थे कोल्फ। कोल्फ ने इस मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो है जितने भी दिवस हैं वो भी आप सभी याद कर लेना। यदि आप चाहते हैं हम उनका वीडियो बनाकर लाएं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, हम जितने भी दिवस महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं साइंस से रिलेटेड उनका वीडियो बना करके आपके लिए लेकर आएंगे। अगला है दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव है यह मानव के कान में 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक कान में रहता है। अगला है दोस्तों, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो अस्थि होती है, अस्थियों में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ओसिन प्रोटीन। तो ओसिन प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी है यह तरबूज की प्रजाति है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, चरम रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चरम रोग है यह B3 विटामिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए है यह भंडारित होता है। तो विटामिन ए का भंडारण यकृत में किया जाता है। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये दोस्तों सर्वे ध्वनि में आती है। तो सर्वे इसका राइट आंसर हो गया, सर्वे यानी सुनने योग्य। नेक्स्ट है दोस्तों, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करते हैं? तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य का दोस्तों जो अवरक्त किरणों का वाला भाग होता है वह सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य से निकलने वाली जो अवरक्त किरणें हैं उनसे सोलर कुकर गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये पायरोमीटर दोस्तों कहा जाता है विकिरण तापमापी को, पायरोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर कथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत है ये दोस्तों किसके संरक्षण पर कथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण पर कथन है। अगला देखते हैं, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के कौन से नियम में आती है? तो बल की परिभाषा है ये न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम है उस पहले नियम में आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज है ये तरंगों की आवृत्ति मापने की एक इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। तो भौतिक मात्रा ज्योति होती है उसकी इकाई का नाम क्या है दोस्तों? लक्स। तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होगी? लक्स। नेक्स्ट है, SI सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? या यूं कहें कि टेम्परेचर के तापमान की जो SI यूनिट है वह क्या है? तो इसकी SI यूनिट या SI इकाई बोलें तो वह दोस्तों केल्विन। तो केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा है
यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो सामान्य विज्ञान का दोस्तों ये महत्वपूर्ण 40% हमने आपको इस वीडियो में करवा दिए। इसके अलावा पहले भी हमने इसकी वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, यदि वो आपने नहीं देखे हमारे चैनल के होम पेज पर जनरल साइंस प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक ही पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।